हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को ही समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर गलत धारणा थी, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बददुआएं देने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रसन्नता नहीं की है, हम तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां या बददुआओं को लेता ही नहीं, आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा जब तक कि मैं आपकी गालियों को स्वीकार नहीं करता, इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं दिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, व्यक्ति ने अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ, आपकी एक गालियाँ आपके पास ही रह जाएंगी। सीख क्या मिलती है हमको दोस्तों? भगवान बुद्ध की जीवन से जुड़ी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी लेना चाहते हैं या गम लेना चाहते हैं, उदासी या मुस्कान। यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगला जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहें।